नमो नमः मित्राण। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आपके सामने चंद्रा इंस्टीट्यूट पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं पुनः CTET 2019 की परीक्षा से संबंधित संस्कृत पदखंड पर आधारित किंचित प्रष्टव्या प्रश्ना के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पदखंड है गीता से लिया गया है और गीता से संबंधित श्लोकों के संकलित पद्यों से संबंधित आपको प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि पहले भी बताया हूं, कोई भी गद्यखंड पद्यखंड अगर आप करना चाहते हैं, उनके प्रश्नों को सही सही अगर जवाब देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है और प्रश्नों में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो शब्द हमारे प्रश्न पत्र में या प्रश्न में आए हैं, उनको आप देखिए कि हमारे किस पंक्ति से टैली कर रहे हैं। जिस पंक्ति में वह हमारे प्रश्न के शब्द मिलते हैं, उसी पंक्ति में हमारा उत्तर विद्यमान होता है। तो श्लोक है मित्रों, क्लैव्यम मायसंगम पार्थ नय तत्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोष्ठि परम तपः वासांसि जरणा निज था विहाय नवानि गृहणा तिनरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नमानि देहि नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपू न शोषयति मारुतः। मित्रों, ये सभी श्लोक आपके गीतामृतम से लिए गए हैं। पहला प्रश्न अब देखिए मित्रों, हम सभी देखते हैं, उपर्युक्त श्लोकम कुत्र उद्धृतः। उपर्युक्त श्लोक कहां से उद्धृत किया गया है? तो गीतामृतम है मित्रों, इसलिए गीतामृतम से ये हमारा लिया गया है, क्योंकि यहां पर जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कायरता को प्राप्त मत करो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए अपनी तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा श्लोक है मित्रों, कम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, किसको त्याग करके उठो? तो दौर्बल्यम, किम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, त्यक्तोष्ठ दौर्बल्यम, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, तो क्या होगा मित्रों? दौर्बल्यम, दुर्बलता को त्याग करके उठिए। तीसरा प्रश्न है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देही शब्दस्य कः अर्थः? देही शब्दस्य अर्थः शरीरम देहम आत्मा वा कर्पटः। तो देही का अर्थ मित्रों होता है आत्मा, देह माने शरीर होता है, लेकिन देही का वास्तविक अर्थ है आत्मा, इसलिए कि यहां पर बताया गया है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जीर्णानि वासांसि यथा विहाय, जीर्णानि वासांसि माने जैसे फटे पुराने कपड़ों को छोड़ करके व्यक्ति नए कपड़ों को धारण कर लेता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, तथा माने उसी प्रकार से जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्णान्यान्यानि है ना, तो जीर्णानि अन्यानि नवानि देही नए देह को, वह देही माने आत्मा, यह आत्मा नवानि अन्यानि शरीराणि संयाति, नए अन्य शरीर को प्राप्त कर लेता है। जैसे व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण कर लेता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुरानी शरीर को छोड़ करके, जर्जर शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेता है। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा आत्मा। देही शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? आत्मा। अगला है मित्रों, जीर्णानि वासांसि कः विहाय, तो शरीराणि, जीर्णानि वासांसि, जीर्ण वस्त्रों को कौन छोड़ देता है? कः विहाय, कौन? तो शरीराणि, इसका उत्तर होगा शरीराणि, नरोपराणि शब्दे संधि अस्ति, नर धन उपराणि, उपराणि तो रा में आया है, उसके बाद में ऊ आया है, आय और ऊ मिलकर के ओ आदेश हो जाएगा, तो एक गुण संधि का नियम है, आय और आ के बाद में आया आ से परे
जब ई ऊ रील री आता है तो ई को ए, ऊ को ओ, री को अर और री को अल आदेश हो जाता है। ये मित्रों नियम है। तो नर उपराणि में अगर कहा जाए तो कौन संधि विद्यमान है? गुण संधि, गुण संधि ही अस्ति। शस्त्राणि किम न छिन्दन्ति, शस्त्रों के द्वारा किसको नहीं छेदा जा सकता है, किसको नहीं भेदा जा सकता है? तो मित्रों नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, एनम शब्दस्य अर्थ आत्मा अस्ति। नैनम में न धन एनम वृद्धि संधि है यहां पर, तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, एनम माने इस आत्मा को शस्त्र के द्वारा नहीं छेदा जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावक, न तो इस आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। न चैनम क्लेदयन्ति आपः, क्लेदयन्ति आपो का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्लेदयन्ति धन आपः हो जाएगा। तो क्लेदयन्ति आपः है, आपः माने जल, न तो इसे जल के द्वारा गीला किया जा सकता है। न शोषयति मारुतः, और ना तो हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है। तो मित्रों इसका वास्तविक उत्तर क्या होगा? शस्त्राणि किं न छिन्दन्ति, तो आत्मा, शस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है मित्रों, पावकः शब्दस्य अर्थः कः अस्ति। पावकः शब्दस्य अर्थः अग्नि, अग्नि हुतासन पावा पावक दावानल, हाँ ये सभी जो है अग्नि के पर्याय है। तो अग्नि शब्द से अर्थ, पावक शब्द से अर्थ, जलम अन्नम अग्नि, अग्नि ही होगा इसका वास्तविक उत्तर होगा मित्रों अग्नि। तो कुछ पर्यायवाची शब्द भी आप विशेष रूप से याद किए रहे, मैंने आपको पर्यायवाची और कुछ समानार्थी शब्द तथा कुछ विलोम पद आपको प्रस्तुत किया हूं वीडियो में, आप उसको देख ले, नहीं तो अलग से एक दिन में आपको जितनी पर्यायवाची है और विलोम शब्द हैं उन सभी का संकलित सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो मित्रों आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती होगी, अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप उसको कमेंट के द्वारा हमको सूचित करें, संबोधित करें, बताएं कि क्या कमी है जो आपके समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए मित्रों इस वीडियो को आप जरूर दो बार तीन बार देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करना न भूलें। धन्यवाद, नमो नमः मित्राणि।